गाइस अगर आप कुछ लेना चाहो इधर से तो ले सकते हैं। बाय द वे मैं वीडियो जो बना रही थी वीडियो में लगता कट गया क्या, बंद हो गया था, हमें पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे ना आस पास में ही लगभग लगभग में बहुत स्कूल है, बहुत कहते हैं ठंड सबको लगती। देखो डॉगी कैसे धूप देख रहा है। गाइस नारियल पानी पी लो, बाय द वे मैं नहीं पीऊँगी, मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा है। कभी सुबह सुबह धूप नहीं मिलती थी, आज सुबह सुबह धूप भी मिल रही है मुझे, पैदल चल रही हूँ ना तो इसलिए। आज देखो ब्लॉग बनाने के चक्कर में कितना मेरा बेनिफिट हुआ, 20 रुपये किराया भी बच गया और पैदल चलते चलते ब्लॉग भी बन जा रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात ही अलग होती है। बस फ़ोन ना बंद हो, जहाँ तक ये फ़ोन चलेगा वहीं तक वीडियो बनेगा गाइस। अगर फ़ोन बंद हो गया, ये पता है गाइस ये फ़ोन बंद है और यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे मतलब मेकअप आर्टिस्ट वगैरह क्या बोलते हैं, हबीब हुआ, लैक्मिक हुआ, लोरियल हुआ है और नायका हुआ, इन लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा। ये यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला है, यहाँ पे ये अग्रवाल धर्मशाला है। आप लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा, मेरा तभी सुबह सुबह का कुछ नहीं हुआ, बिटिया की स्कूल छोड़ने आए थे। इधर पार्क है, पार्क का नाम मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं तो आती हूँ पिछले कई सालों से बट मुझे पार्क का नाम नहीं पता है। और राजकीय नई दिल्ली विकास प्राधिकरण ये ना इधर का सोसाइटी एरिया है, यहाँ पे देखो लोग टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं जो भी खेल रहे हैं। पैदल से खेलते हैं, मुझे गर्मी लगने लगी। गाइस आप लोगों ने कमेंट में बताया करो ना कौन कहाँ से है, क्योंकि ना हमें पता ही नहीं चलता कौन वीडियो मेरा देख रहा कौन नहीं देख रहा। इतना तो पता चले ना कि वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वैसे अगर मैं ऑटो से निकलती हूँ ना तब तक घर पहुँच गई थी, 10 मिनट ऑटो से मैं घर पहुँच जाती हूँ। बाइक पे आज जो है पैदल चलने का मज़ा ले रही है, 3 किलोमीटर है, आप समझ लो मैं 3 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा एक ब्लॉक के चक्कर में। रिस्पॉन्स सही जब नहीं आता ना तो बहुत उदास का लगता है, तकलीफ होती है कि उनका रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा। वैसे फर्स्ट टाइम में जब मैं पैदल इतना दूर चल के जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ का इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट। इतना दूर चल के आगे भी 4 मिनट का वीडियो बना, मतलब मैं ज़्यादा तेज चल रही हूँ क्या? ये देखिए फिनाइल वगैरह जिसको चाहिए, देखिए लोग अपना बिजनेस साइकिल पे चालू कर लेते। देखो ये इंडिया है, जुगाड़ से चलता है भाई। आपको जितनी सर्विस चाहिए ना, जितना दूर मैं पैदल चल के आई, यही 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद सारी शॉप खुल जाती है, इसके बाद आपने यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। इधर दे सकते हैं डेंटल वगैरह है, देखिए
ये जूस का कॉर्नर। जब कभी अब बैंड बजाए तो क्या करेंगे बताइए। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग अपना बिजनेस शुरू करती हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई ऑफिस के लिए जा रहा, कोई स्कूल जा रहा, कोई कॉलेज जा रहा, कोई अपना खेला खेली संभाल रहा है। सुबह होते ही ना ज़िंदगी का रेस शुरू हो जाता है। ऊपर देख सकते हैं आप ना, ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है ना, रेलवे स्टेशन है मंडावली का। ओह, ब्रिज के ऊपर रेलवे स्टेशन है, ब्रिज के नीचे से पहुँचाऊंगे। रोज मुझे धूप के दर्शन नहीं होते थे, आज मुझे धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अब मैं ना इधर से कट लूँगी, यहाँ से देखिए ऊपर से सामने ऑटो स्टैंड देखो। ये भी ज़िंदगी कितनी बेकार है, देखो क्या बोलूँ बेचारा, देखो कचरे में से कचरा दिख रहा है। कहते ना इतना कचरा करने वाले ना हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग बहुत महान हैं दुनिया के घर, पता है। कहते ना कचरा उठाने वाले जो होते हैं ना, वो हम लोगों की गंदगी साफ करते हैं और लोग उन्हीं में भेदभाव रखते हैं, जबकि हम लोगों से हज़ार गुना अच्छे कचरा वाले होते हैं क्योंकि वो साफ करते हैं, सफाई कर्मचारी जो होते हैं। ये हम आ गए, ये ना रेलवे स्टेशन है ऊपर और नीचे, मतलब रेलवे ब्रिज है और नीचे हम, नीचे से हम चले, नीचे से सड़क गई है, हम पगडंडी पे चल रहे हैं क्योंकि ना नीचे से गाड़ियाँ निकल रही ना, हम डंडी से ही जा सकते हो। अरे मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, बैठने के बाद चलो। ये मेरी रेलवे फाटक की सीढ़ियों से चढ़ गई, ये देखिए यमुना जी का वाटर सप्लाई लाइन है। अरे घर में लक्ष्मी लेकर जो है सब हमने ये आ गई मंडावली वाली गली में, प्रस्थान कर चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग में
ऑटो स्टैंड देख रहे हैं। गाइस बगल में बिल्ला फार्मिंग है। हाँ ये देखिए हमारे डॉगी महाराज रोड क्रॉस करके आ रहे हैं, इनकी अपनी सरकार है। यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ ना पार्किंग में लगी होती है रोड के किनारे, और इनकी पार्किंग 3,000 4,000 5,000 ऐसे इनकी पार्किंग की है। अब सोचो रोड के किनारे पार्क भी कर रहे हैं, ठीक है, और इनका पैसा भी ये लोग मज़े से खाते हैं। हमारे देखो कालीन भी बैठी है, ये देखो सेठ साफ कर रहे हैं। टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड यहाँ से ना कैब वगैरह बुक होती है वो मतलब यहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे सार्वजनिक विश्राम स्थल है, देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। हमारी गौ माता देखो खाने में बिजी है। अब मैं ना घर तक चलूँगी, वहाँ तक का वीडियो बनाऊँगी। ये देखिए बट ब्रिज, बट ब्रिज मतलब बर्गर का पेड़। पावर हाउस, ये पावर हाउस मेरे घर के पीछे दिखता है। मुझे फ़ोन बंद करना चाहिए, नहीं मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा।